हाँ भाई, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रीनिवास गडकरी और आप मुझे फिलहाल लाइव देख रहे हो। मैं आपको बता दूं कि हर बार कुछ ना कुछ नई वारदात या नए ध्यान आकर्षित करने वाले कुछ मुद्दे लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होता हूँ। आज आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन यहाँ पर जो है आपको इसको हम गुजराती में इसको हम डंकी कहवाए थे और हिंदी में डंकी कहते हैं इसको। ये डंकी की पूजा कर रहे हैं। क्यों मैं आपको बता दूँ, मैंने इनसे थोड़ी सी पहले जानकारी ले ली क्योंकि ये जिनके हाथ में घड़ा है उन्होंने ये कलश कह सकते हो जिसको वो अपना नया घर लिया है उन्होंने, और उस नए घर में हम जो घड़ा प्रतिस्थापना करते हैं, घड़े की स्थापना करते हैं, तो उसके लिए शुद्ध जल लेना बहुत ज़रूरी होता है और भूमि में से जो जल निकलता है वो सबसे शुद्ध जल होता है। भूमि को आप कभी भी प्रदूषित नहीं कर सकते हो दोस्तों। तो इसी आशा और विश्वास के साथ आपने जैसे देखा कि ये डंकी जो है उसकी इन्होंने पूजा की, अर्चना की, वंदना की। उसके बाद में यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, हाँ, हम जो पुष्प, हल्दी, कुमकुम और जो राइस होते हैं वो चढ़ाते हैं जी, ठीक है। तो इन्होंने पहले ये डंकी की पूजा की, उसको भी उन्होंने पानी से धोया था और उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने ये जो घड़ा भरा है और अभी आज आप इसकी स्थापना करने जा रहे हो अपने नए घर में, आपने जहाँ पे भी आपका नया घर लिया है वहाँ पर। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि ये हमारी हिंदुस्तान की जो परंपरा है वो आज भी जीवित है और किसी हद तक हर जगह पर ये मौजूद है और इसको मौजूद रखना यही हमारा सनातन धर्म और उसकी विशेषता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए श्रीनिवास गडकरी के साथ। इसी तरह से कुछ नई ध्यान आकर्षित करने वाले वारदात या मुद्दों को लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रणछोड़ राय की जय, भारत माता की जय, अस्तु।